स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम कवर करने वाले हैं हमारा रिमेनिंग पोर्शन इस चैप्टर का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज तो ये हमारा यूनिट फोर का सेकेंड चैप्टर है ठीक है अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोज नहीं देखे तो मेरी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जेके एस एस बी सुपरवाइजर नाम से जेके एस एस बी सुपरवाइजर ठीक है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की अलग प्ले लिस्ट है जहाँ पे आप यूनिट वन टू थ्री के वीडियोज देख सकते हैं एंड आपको जीके की अलग प्ले मिल जाएगी जहाँ पे करंटली हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं और मैंने एम सी भी बनाए हैं आपके स्पेशलाइजेशन के टॉपिक पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे भी वो भी आपको एम की प्ले भी अलग मिल जाएगी इफ़ यू वॉन्ट पी डी एफ ऑफ माई लेक्चर्स तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा मेरा जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करती हूँ ठीक है तो हमारा काफ़ी पोर्शन सिलेबस का कंप्लीट हो गया है साथ में एमसीक्यूज भी कवर कर रही हूँ काफी हमारे चार टेस्ट भी हो गए हैं इसके तो वो सारे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे एंड उनके वीडियोस आप मेरी चैनल पे देख सकते हैं मेरी चैनल पे ओले और एक, एक प्ले है वो नितिन सांगवान नाम से वो आपकी नहीं है वो यूपीएससी सोशोलॉजी की है तो काफी क्वेरीज उसके रिगार्डिंग भी आती है प्लीज आप उसमें कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है दिस इज मी कुरत मलिक करण क्रंच मेरी चैनल का नाम है इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल I'm an engineer, research scholar in sociology, qualified NET sociology. I've got six plus years of teaching experience, and एंड आई एव टॉट एट at online platforms like Study IQ and an academy. वहाँ से भी मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और मेरा जो कोर्स है इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी बिल्कुल फ्री है बट इफ यू वॉन्ट यू कैन सेंड मी सुपर थैंक्स आपको जो कमेंट सेक्शन में साइन मिल जाएगी वहाँ पे ठीक है तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ग्लोबल वार्मिंग भी एक्सप्लेन किया मैंने क्या रिलेशन है इनके बीच में क्यों ये टॉपिक इन्होंने साथ में रखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप अब ग्लोबल वार्मिंग का ही एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज जो हमें आगे पढ़ना है ठीक है तो इसका आपको क्लाइमेट चेंज के पहले हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाती है फाइन इसमें आपको जोग्रफिकल आस्पेक्ट भी मिलेगा तो काफी लेंथी हो जाएगा अगर हम इसके ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट पे भी जाएंगे क्लाइमेट चेंज के तो आई बिलीव कि इनने आपको स्पेशलाइजेशन में पूछा हुआ है एंड स्पेशली अलग से कोई जोग्राफी कॉम्पोनेंट का सब्जेक्ट नहीं है इस वजह से जो मैं चीज़ें आपको यहाँ कराऊंगी आप उतनी करोगे तो काफी है प्लस आपके जो यूनिट जी के वाला कॉम्पोनेंट है उसमें थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी तो वहाँ पे चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू द क्लाइमेट चेंज तो वो है आपकी उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ठीक है डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है उनसे क्या हो जाता है उनसे एमिशन होती है हमारी चार प्रिंसिपल आ, ग्रीन हाउस गैसेज के तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेज अब आप समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं तो हमारे चार प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैसेज कौन से हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलो कार्बन हेलोकार्बन्स है जिसमें आपके फ्लोरिन क्लोरिन एंड ब्रोमिन आते हैं ठीक है तो ये जो गैसेज हैं ये रिलीज होते हैं मोस्टली ये इनका देखा गया है कि इंक्रीज हुए हैं लास्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स में तो लास्ट थ्री हंड्रेड ईयर में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज उसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं तो यही सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है एंड देन हम देखेंगे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कन्वेंशन कौन सी है क्लाइमेट चेंज को लेकर ठीक तो in द मोस्ट सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट अबाउट द इंक्रीज इन ऑल ऑफ दीज गैसेज इज ये जो इंक्रीज है ये इनको कहा कब देखने को मिला है जो अभी हमारा रिसेंट 300 सौ साल पुराना इंडस्ट्रियल एरा चला था उसमें गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्या हुई हमारी ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से इस एरा को हम क्या बोलते हैं इसको हम एंथ्रोपोसन बोलते हैं जहां पे आपका एंथ्रो है दैट मींस वो चेंजेस जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आई ठीक है है तो ये टर्म किया था यूजीन एफ स्टॉर्मर ने चाहो तो याद रख सकते हो और उसको पॉपुलराइज किया था बाद में पर्ल क्रटसन ने ठीक है अब हम देखते हैं क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो गैसेस रिलीज हो गए कौन से गैसेस थे एंड किन एक्टिविटीज से रिलीज हुए कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ये इंक्रीज होता है फॉसिल फ्यूल से फॉसिल फ्यूल्स में कौन से आपके आते हैं जैसे आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कोल वगैरह ठीक है जब हम इनको बर्न करते हैं इनकी बर्निंग से रिलीज होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है अब एक ग्रीन हाउस गैस है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी आपके एटमोसफेयर में तो क्या हो जाएगा मैंने आपको कल ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था अगर ये गैसेस बढ़ जाएंगे तो ये ज़्यादा ट्रैप करेंगे हीट जो हीट वापस निकल जो अर्थ कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है सन की और कुछ वापस रिलीज कर देता है स्पेस में वो रिलीज जब ये कर रहा होता है अगर ये गैसेस आपको ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे आपके एटमोसफेयर में ये ट्रैप करेंगे उस हीट को और उसको वापस स्पेस में नहीं जाने देंगे जिसकी वजह से आपकी जो आपका जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाएगी तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग में एक्सप्लेन किया है एंड इस वजह से आपके लिए ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो समझना ईजी होना चाहिए मीथेन ये भी ग्रीन हाउस गैस है ये है, रिलीज हो जाता है एक्टिविटीज जो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होती है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ये लैंडफिल से मीथेन आपको और कहा से देखने को मिलेगा नेचुरल प्रोसेस से भी रिलीज हो जाता है जो कहाँ पे हो रहे होते हैं वेटलैंड में वेटलैंड क्या है वेटलैंड आपका मार्शी एरिया होता है मार्शी या स्वैम्पी एरिया दैट मीनस कोई सॉइल जैसे वाटर में कवर्ड होती है ना वो ड्रेंज इन वाटर होती है तो ये काफी आपके एनवायरमेंट के लिए ये अच्छा एरिया होता है वेटलैंड ये हमें आगे पढ़ना है रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर तो वो आपको अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में नाइट्रस ऑक्साइड ये भी रिलीज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से जैसे फर्टिलाइजर यूज आप इंक्रीज करते हो या कुछ नेचुरल प्रोसेस से भी रिलीज हो सकता है ठीक है तो इसमें आपको बेसिकली क्या याद रखना है आपका ये गैस है एंड ये किस एक्टिविटी से रिलीज ज्यादा होता है फ्यूल बर्निंग एंड फर्टिलाइजर यूज से जो हेलो हैलोकार्बन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी मोस्टली बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटीज है से, हेलो कार्बन कौन से हुए आपके जैसे आपके क्लोरोफ्लोरोबंस होते हैं ठीक है तो मैंने कहा ये कल ही मैंने आपको बोला था ये कहाँ से रिलीज होते हैं जैसे आपके रेफ्रिजरेटर्स एंड एसी वगैरह वहां से रिलीज होते हैं अब क्या होता है उतनी क्वांटिटी में नहीं रिलीज होंगे लेकिन ये काफी टाइम तक ऊपर ट्रैवल करते 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 रहते हैं किसी जगह तो एक्यूमलेट हो रहे होंगे ना एटमोसफेयर में अक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड देन क्या करते हैं वहां पे आपका एक्ट करते हैं ये एज ग्रीन हाउस गैस तो इनका एक्यूमलेट होना आपके क्लाइमेट के लिए काफी बुरा होता है ठीक है ओजोन जो है ग्रीन हाउस गैस दैट इज कॉन्टिन्यूली प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉयड इन द एटमोसफेयर बाई केमिकल रिएक्शन ट्रोपोस्फियर पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनसे क्या हुआ है ओजोन कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ गई है अब ओजोन आपको ये ओ थ्री मोलिक्यूल काफी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है इसकी प्रेजेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगी जैसे अर्थ के लेयर्स होती हैं अलग ट्रोपोस्फेयर हो गया आपका स्ट्रेटॉस्फेर हो गया मीजॉस्फियर वगैरह हो गया ये जो ओजोन है अगर इसके मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रेटॉस्फेर में प्रेजेंट होते हैं तो ये वहां पे एक्ट करते हैं एज ओजोन लेयर ठीक है ये ओजोन लेयर जो है ये बचाता है आपको किन से यूवी रेज से कल मैंने कहा था सन आपको विजिबल लाइट देता है इंफ्रारेड देता है एंड यूवी देता है यूवी रेज तो यूवी रेज जो होती है हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है और ओजोन का काम क्या होता है इन यूवी रेज को प्रोटेक्ट करना आपको उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने देना ठीक है तो ये जो ओजोन लेयर है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अब अगर यही ओजोन जो है ये ओथ्री मॉलिक्यूल ये आपका प्रेजेंट होगा लोअर एटमोसफेयर दैट इज योर ट्रपोस्फेयर वाले एरिया में अर्थ के ऊपर क्या होता है पहले कौन सी लेयर आती है ट्रपोस्फियर ठीक है जो में अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये वहां पे एक्ट करता है एज ओजोन गैस जो एक ग्रीन हाउस गैस बनता है ठीक है और अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ ये होगा तो ये एक्ट करता है स्मॉग में उसको स्मॉग भी बोलते हैं दैट इज योर फॉग प्लस स्मोक तो ओजोन जो है इसके आपको कई रूप देखने को मिलेंगे अगर अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों किया आप, क्योंकि आपने बचपन से स्कूल्स में पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर है वो हमें बचाता है और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ओजोन ग्रीन हाउस गैस है उसकी कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ेगी तो इस चीज़ से आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि ओजोन की जो है आपको वरायटी मिलेगी ओजोन में काफ़ी रूप देखने को मिलेंगे तो अगर ये बढ़ गया उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस है ट्रोपोस्फियर लोअर एटमोस्फेयर वाले दैट मीनस ट्रपोसफियर के एक पार्ट में अगर आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिला तो ये क्या करेगा हीट को ट्रैप करेगा और डिस्प्लेस नहीं होने देगा वापस स्पेस में तो ये कैसे रिलीज होता है रिलीज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ठीक है ये केमिकली रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस ओजोन वाटर वेपर वाटर वेपर आपको एटमोसफेयर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है एंड वाटर वेपर जो है अगेन आपका ग्रीन हाउस गैस एक्ट करता है तो डायरेक्टली हम वाटर वेपर के लिए कैसे एक्चुअली रिलेट होता है यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के साथ क्योंकि हमारी रीजन्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो तो इसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रही है और जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट मीनस जहाँ पे जितना वार्म टेम्परेचर होगा उतने वहाँ पे वाटर वेपर ज्यादा होते हैं ठीक है हमने सारा सारी चीज़ें पढ़ी हैं साइंस में ऑलरेडी मुझे यहाँ डिटेल में इसका बोलने की जरूरत नहीं है तो जितना वार्मर एटमोसफेयर होगा कंटेन्स मोर वाटर वेपर और वाटर वेपर जो है ये भी क्या है आपका एक्ट करता है ग्रीन हाउस गैस जो हमारे एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है एक तो यहां से हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग वाला और वार्मर और कहा गया ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं वाटर वेपर थ्रू आपके सी एच फोर से सी एच फोर इज योर मीथेन बिकॉज जो आपका मीथेन है ये अंडरगोज केमिकल डिस्ट्रक्शन इन स्टेटोस्फेयर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ठीक है तो आपके मीथेन भी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए वाटर वेपर के लिए प्लस इनडायरेक्टली आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट इज एरोसोल्स अब देखो एरोस में आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है एरोसोल्स की प्रॉपर्टी होती है कुछ ये क्या होते हैं बेसिकली कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं चाहे वो सॉलिड लिक्विड या गैसेस हो जो आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं तो पार्ट है आपके क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डालता है ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है तो कुछ एरोसोल्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बैक सनलाइट तो वो हेल्प करते हैं एटमोसफेयर को कूल cool डाउन करने में और कुछ एरोसोल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और क्या करते हैं अर्थ को थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं और जो एरोसोल्स हैं ये यूजुअली हम कैसे इंक्रीज करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से अगर आप फॉसल फ्यूल्स एंड बायोमास जो आपका क्रॉप रेजिड्यू हो गया या एनिमल रेजिड्यू वगैरह उनको आप बर्न करते हो उनसे इंक्रीज हो जाते हैं एरोसोल्स ठीक है एरो तो एरोसोल्स में आपको याद रखना कि ग्रीन हाउस गैसेज तो नहीं है ये ये कूलिंग में भी हेल्प हल, करते हैं लेकिन कुछ एरोसोल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को एंड अर्थ को वार्म करने में भी उनका पार्ट होता है अब हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुई क्लाइमेट चेंज पे रामसर कन्वेंशन ये बोला जाता है इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड वेटलैंड मैंने आपको बोला इसे मार्शियन स्वैंप एरिया जो होता है ये सोइल एरिया है ड्रेंसड इन वाटर ठीक है मार्श स्वैम्प्स वगैरह आपके तो इसको अडॉप्ट किया गया था ईरान में रामसर सिटी है वहां की 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975 तो आगे जो हम कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं इसमें आप क्या याद रखोगे कि रामसर कन्वेंशन जो था वो किसके लिए था वेटलैंड्स के लिए था एंड कभी आया गया था ये डेट आपको याद रखनी है देखो अगर आप मुझे बोलते हो कि मैम डेट्स बहुत ज्यादा है हम क्या करें हम क्या है कैसे याद रखें यू हैव टू फाइंड अ वे आप कैसे याद रखो चाहे एक चार्ट बना लो टेबल बना लो कुछ करके रिविजन बार बार करके है ना कुछ दिमाग में रख के आप कोशिश करो कि आप याद कर पाओ ये इंपॉर्टेंट है आप 2015 का अगर पेपर देखो तो उतना डायरेक्ट भी नहीं है कि आप आपको बिल्कुल ही थोड़ा बहुत पढ़ा और सॉल्व हो जाए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आई गेस उस पेपर में काफी ज्यादा आए हैं एंड वो 2015 की बात है और आज तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है एग्जाम्स का कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं तो यू हैव टू बी रेडी अब वहां जाके परेशान हो जाए एग्जामिनेशन सेंटर में उससे बेहतर है कि आप प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़े परेशान रहो एंड अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है वो अकॉर्डिंगली आप रखो क्यों क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड सिर्फ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको सिंसियर मेहनत करनी पड़ेगी जैसे मैं आपकी हेल्प इतनी कर सकती हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ रिवाइज कर सक करा सकती हूँ रिविजन के वीडियोज भी लेके आऊंगी लेकिन ये चीजें दिमाग में आपको खुद से रखनी है अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें यहाँ पे फाइव वेट लैंड आते हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर रामसर कन्व रामसर कन्वेंशन वो कौन कौन से हैं शलबग हाइगाम सुरेंसर मानसर होकरसर वुलर लेक एंड सिक्स वन जो है वो सोमरूरी है कहाँ का लद्दाख का ऑल दो चलो यहाँ पे अब लद्दाख अलग यूटी है बट स्टिल याद रखने में क्या जाता है छ वेटलैंड ऐसे आती हैं अंडर रामसर कन्वेंशन कहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की इसमें रिसेंटली दो एड हुई है शलबग एंड हाईगाम ठीक है ये न्यू वन से और ये आपके क्लाइमेट चेंज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये वेटलैंड्स क्योंकि ये एक्ट करते हैं कार्बन सिंक दैट ये कार्बन को स्टोर करते हैं अपने अंदर और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमोसफेयर में ज्यादा रहेगा तो ग्रीन हाउस गैस है वो हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं है तो इस वजह से ये हमारे लिए काफी अच्छा रहता है एंड फ्लड्स वगैरह के अगर आते हैं कहीं पे तो उनके लिए नेचुरल बैरियर भी एक्ट करता है कि पानी उन जगहों पे फ्लो होता है अब आप क्या करोगे अगर आप इन वेटलैंड को खत्म करोगे डिस्ट्रॉय करोगे वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे तो जब अगर फ्लड्स आए पानी आया वो कहाँ जाएगा फिर वो रेजिडेंशियल एरिया बन गया तो रेजिडेंशियल एरिया में फिर फ्लड आ गया अदरवाइज ये उनको एक चैनल प्रोवाइड करता है जहां वो पानी जाके रुक सकता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ये कन्वेंशन है ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पलूटेंट्स क्या होते हैं इनको पी भी बोलते हैं शॉर्ट में ये आपके काफी टॉक्सिक एंड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको एयर में देखने को मिलेंगे सॉइल में वाटर में अभी कहाँ से आते हैं इसकी मैं आपको एक्जाम्पल बताती हूँ जैसे हमारा एक फेमस इंसेक्टिसाइड था अगर हमने स्कूल में नाम पढ़ा है आपको याद होगा डी डी टी डाइक्लोरोफनाइल ट्राइक्लोरोन ठीक है ये एक पी ओ पी है वो एज इंसेक्टिसाइड यूज करते थे लेकिन वो क्रॉप्स में जब डालते थे तो कहाँ आ गया वो सॉइल में सॉइल से वो लीच करता है कहाँ वाटर तो वाटर बॉडीज में आ गया अब इनकी क्या हो जाती है ये एक्यूमलेट हो जाती है और मैग्नीफाई हो जाते हैं उसका क्या मतलब वो है फिश फॉर एग्जाम्पल वाटर में है उसने कंज्यूम करी फिश फिर जो ह्यूमन कंज्यूम करेंगे ह्यूमन में आ जाएंगे ये इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं आपके एनवायरनमेंट में और आपके स्पीशीज पे आपके ह्यूमन लाइफ पे एनिमल लाइफ पे हर जगह इनकी प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी दूर तक ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रैवल करते हैं थ्रू एयर ठीक है एयर या वाटर तो काफ़ी दूर दूर जगह तक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं एंड हमारे लिए काफी टॉक्सिक रहते हैं तो क्लाइमेट चेंज में आपको ये भी देखना है ये कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था आपका स्टॉक होम कन्वेंशन एडॉप्ट इसको किया था 2001 में केम टू फोर्स इन फोर जेनेवा स्विट्जरलैंड साइट्स जो है आपका ये इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है कोई भी इलीगली इन एंडेंजर्ड जो काफी कम रह गए हैं स्पीशीज इन वाइल्ड फोना फ्लोरा में और इसकी डेट्स ये आपको याद रखनी है और काफी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है ये काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको यू बोलते हैं ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो गवर्न करता है एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि कैसे का कहें कॉम्बैट करना है मतलब रोकना है इस क्लाइमेट चेंज को थ्रू एडाप्टशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स डायरेक्टेड एट कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ जी एच जीज ग्रीन हाउस गैसेस तो जो आपका यू एन एफ सी सी ये है ये फ्रेमवर्क कि स्पेशली किसके लिए है कंट्रोल हम कैसे करेंगे एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को ठीक तो है तो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा एडॉप्ट किया था नाइनटीन नाइनटी टू में केम इनटू फोर से नाइनटीन नाइनटी फोर ठीक है इस यू एन एफ सी सी के अंडर काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट अग्रीमेंट सामने आए थे जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस अग्रीमेंट जो हमें आगे देखना है और जब भी इसकी कोई मीटिंग होती है उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो सारे मिलके वो मीटिंग करते हैं कि कैसे हमें कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को क्या क्या हमें चेंजेस लानी है फिर फ्रेमवर्क बनाते हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं शॉर्ट में सी जो उनकी मीटिंग्स होती है तो ये सारी तो आपको याद नहीं रखनी है ट्वेंटी हुई है एटलीस्ट लेकिन जो रिसेंट वाली है ट्वेंटी एट उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे वो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किया है समिट ये किस चीज के रिलेटेड है ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इट वॉज हेल्ड इन 1992 नाइनटी एट रेयो डिजिनेरियो ब्राजील ठीक है तो इसका आपको नाम याद रखना है कहा हुआ था एंड किस चीज के लिए था यूएनसीसीडी एनसीडी कॉम्बैट करने के लिए डायफिकेशन डिजर्टिफिकेशन क्या होता है जब कोई लैंड बैरन हो जाती है फॉर एग्जाम्पल आप वहां डिफोरेस्ट्रेशन कर रहे हो या अपना जो लाइफ स्टॉक है जो ये चलाते हैं ये गाय बकरियां वगैरह तो वहाँ पे उनके ओवरग्रेजिंग करते हैं उस लैंड पे उस लैंड को बिल्कुल ही खाली कर दिया या ड्रॉट की वजह से कोई लैंड जो है वो यूजलेस रह गई उनको हम डिजर्टिफिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं तो यू एन सीसी किसके लिए था डिजर्टिफिकेशन के लिए अडॉप्ट किया था इन ईयर्स में बेसल कन्वेंशन किस चीज के लिए था ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल हजार्डस वेस्ट कौन सा हुआ आपका टॉक्सिक जैसे आपके केमिकल बैटरीज वगैरह ठीक है एंड आपका मेडिकल वेस्ट तो जो भी टॉक्सिक वेस्ट है कैसे आप उसको डिस्पोज करोगे प्रॉपरली एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट में क्या रेगुलेशन होने चाहिए वो सारा किसके अंडर आता है बेसल कन्वेंशन के अंडर ये बेसिकली सारी जो चीजें हैं अगर आप एन्वायरमेंट में ऐसी खुली छोड़ दो ये केमिकल्स ऐसे खुले छोड़ दो आप वो टॉक्सिक वेस्ट ऐसे ही फेंक दो तो वो आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा आपके क्लाइमेट के लिए अच्छा नहीं होगा तो बेसिकली सारी जो कन्वेंशन हम पढ़ रहे है, हैं क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है फिर आ गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो मैंने कहा था अग्रीमेंट किसके अंडर आया था यूएनएफसीसी के अंडर तो ये किसके लिए था रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस जो हमारा यूएनएफसीसी के अंडर का ऑब्जेक्टिव था इसको अडॉप्ट किया था 1997 में सेवन मैन के फोर्स इन 2005 ठीक है बाद में इसका अमेंडमेंट भी लाया था उसका अमेंडमेंट का क्या नाम था दोहा अमेंडमेंट जिसने कहा था कि इसका जो कमिटमेंट पीरियड है उसको इंक्रीज करो टू थाउजेंड थर्टीन टू ट्वेंटी में ठीक है वो ये किसके लिए था प्रोटोकॉल रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन अब कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कवर होते, है? होते हैं सेवन ग्रीन हाउस गैसेज जो कवर होते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर जिनको हम डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं कुछ हमारे इनडायरेक्ट भी हैं पहले डायरेक्ट वाले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सॉरी मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोफ्लोरोबन पर फ्लोरोकार्बन सल्फर एग्जो एंड नाइट्रोजन फ्लोराइड इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं इनको हम एफ गैसेस बोलते हैं ये वाले डायरेक्ट ग्रीन हाउस अंडर कवर होते हैं इनका यूसेज जो हमें है वो रिड्यूस करना है हमारे एटमोसफेयर में गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए तो ही क्या होता है आपका uh, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है उसपे इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे और चार इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज कौन से हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नॉन मिथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है oxides, monoxide, और क्योटो प्रोटोकॉल में कौन से कवर होते हैं ये वाले सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के साथ ठीक है तो ये कब अडॉप्ट किया गया था एट्टी सेवन में और केम इंटू फोर एटीन नाइनटीन एटी नाइन यहाँ पे आई गेस एक चीज रह गई वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ हाँ मैंने आपको बोला सेवन डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस आते हैं अंडर क्योटो प्रोटोकॉल अब आप सोच रहे हो गे मैंने नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पे लिखा है एंड देन फिर मैं इनडायरेक्ट में भी नाइट्रस ऑक्साइड लिख रही हूँ ठीक है अब इसका क्या रीजन है बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड एक तो डायरेक्टली भी ग्रीन हाउस गैस एक्ट करते हैं एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो इनडायरेक्टली भी रेस्पॉन्सिबल होता है आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ये क्या करता है ट्रोपोस्फेयर में आपके ओजोन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाता है मैंने आपको कहा ओजोन गैस ये भी एक्ट कर सकता है एज ग्रीन हाउस गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो इनडायरेक्टली भी नाइट्रस ऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस जो है वो बनता है ठीक है सिमिलरली आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो ये भी इनडायरेक्ट है ये क्या करता है हेल्प किस में करता है एरोसोल फॉर्मेशन में और एरोसोल कैसे टेम्परेचर को आ, अर्थ को वार्म करते हैं वो मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किसके लिए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए वेना कन्वेंशन ये किसके लिए कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर अगेन कार्टोजनो प्रोटोकॉल ये क्या कहता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो ये किस पे है आपका कार्टोजनो प्रोटोकॉल किसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और इसको कब अडॉप्ट किया गया था 2000 में एंड 2003 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन जब काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है आपकी लाइफ की फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखो तो वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा वहां पे काफी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको रेप्टाइल्स एम्फीबियंस मैमल्स सारे वहां पर प्रेजेंट होंगे एंड इनफैक्ट uh, जैसे विद इन एक स्पीशीज के अंदर भी आपको uh, एक तो स्पीशीज डाइवर्सिटी आप देखोगे स्पीशीज डायवर्सिटी फिर विद इन स्पीशीज आपको जेनेटिक डिफरेंट जेनेटिक मेकअप मिलेगा तो विद इन स्पीशीज आपको जेनेटिक डायवर्सिटी भी मिलेगी तो ये सारा किसका पार्ट आता है आपके बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का तो इसके रिलेटेड कौन सी ट्रीटी है आपकी कार्टेजना प्रोटोकॉल फिर यू एंड रेड ये किसकी चीज के लिए है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम जो डिफॉरेस्टेशन से होती है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से होती है एमिशन उनको रिड्यूस करने के लिए इसको टू थाउजेंड एट में क्रिएट किया गया था देन नगोया प्रोटोकॉल ये क्या कहता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दियर यूटिलाइजेशन किसकी यूटिलाइजेशन ऑन टू जेनेटिक रिसोर्सेज ठीक है टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी दरअसल क्या होता है इसमें ये क्या आपको कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके uh, पार्क में या आपके जो घर का ये होता है लॉन होता है वहां पे आप कोई प्लांट उगा रहे हो देन आपको पता चलता है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू है तो वहां पे टीम ऑफ साइंटिस्ट आएगी बाद में उस उसपे रिसर्च होगी उसके जेनेटिक मेकअप वगैरह पे तो उन चीजों से जो भी फायदा होगा जो बेनिफिट्स होंगे वो आपके साथ भी शेयर होने चाहिए ये वही बोलता है इसको अडॉप्ट किया था दो हजार दस में आन एट के नेक्स्ट है हमारा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली जो है ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है लीगली बाइंडिंग मीन्स जो भी इसके आगे ये होंगे प्रपोजल्स होंगे वो लीगली हर कंट्री को जो है वो फॉलो करने हैं ठीक है थीके? तो ये कब सामने आया था सीओपी ओपी ट्वेंटी वन में सीओपी मैंने आपको क्या कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन नथिंग बट द मीटिंग ऑफ जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे आपकी यूएनएफसीसी के ठीक है तो सीओपी ट्वेंटी में आया था आपका पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड इसमें क्या आपको याद रखना है मेन गोल क्या है पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को टू तो बिलो टू डिग्री सेल्सियस एंड प्रेफरेबली लिमिट इट तो टू डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू तो दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल एटलीस्ट टू से तो कम होना चाहिए एंड प्रेफरेबली कितना होना चाहिए वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू योर जितना प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में था तो ये, तो ये मेन गोल है आपका किसका टेम्परेचर क्या रखना है आपको कितना इंक्रीज होना चाहिए पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का हम ऑलरेडी इस चीज़ को सरपास कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है कि गाली अग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था टू थाउजेंड सिक्स इनटू फोर्स ये अमेंडमेंट था किसका मॉन्ट्रियल प्रो, प्रोटोकॉल का और इसमें इन्होंने क्या कहा था फेज डाउन करो आपके जो हाइड्रोफ्लोरोबन है उनको ठीक है विच इज इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस फाइन सीओपी ओपी ट्वेंटी अभी रिसेंटली सीओपी ट्वेंटी आया था इसीलिए हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है बाकी सारे सी आप नहीं भी देखो तो चलेगा रिसेंटली ट्वेंटी एट सी कहाँ पे हुआ था दुबई में यू ये भी याद रख लेना और इसमें क्या कहा था कि ऑपरेशनलाइज करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड और ये फंड की जो इनिशियल फंडिंग है वो कहाँ से आएगी वर्ल्ड बैंक से आएगी ठीक जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड एवरी कंट्रीज इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट वॉलंटरीली तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अप्लाई कर सकती हैं फंडिंग का यूज कर सकती है मिडिकेट करने के लिए अपने क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो भी इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का हो रहा है उसके लिए फंडिंग यूज कर सकते हैं ऐसी नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी लाने के लिए उनको पैसों की जरूरत होगी उन कंट्रीज को तो वो इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं और बाकी जो कंट्रीज है जो आपके अमीर मुल्क है वो इसमें वॉलंटरीली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फंड में ठीक है स्पेसिफिक परसेंटेज जो होगा इस फंड का वो किसके लिए रखा जाएगा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है सबसे कम डेवलप्ड एंड स्मॉल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट तो लीस डेवलप्ड को भी खतरा होता है एंड आईलैंड को भी खतरा होता है क्योंकि आपके ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है आपका सी लेवल भी राइज हो जाता है सी लेवल राइज हो गया आपके ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं तो जो सी की लेवल है वो बढ़ जाएगी तो अगर आईलैंड यहाँ पे है और ये आपका सी है अब सी लेवल अगर बढ़ेगी तो आईलैंड सबमर्ज हो जाएगा पानी में तो इनके लिए भी हमें ये जो है ग्लोबल वार्मिंग इनके लिए बहुत बड़ा इशू है और इसमें क्या है जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे आपकी सोलर एनर्जी हो गई उस कैपेसिटी को आप ग्लोबली डबल करो डबलिंग द ग्लोबल एवरेज ठीक है कब तक बाय 2030 तक और रिड्यूस करो नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को इंक्लूडिंग आपका जो मीथेन एमिशन है बाय 2030 एंड ऑल्सो ट्रांजिशन ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को ऐहिस्प रिप्लेस करना शुरू हो जाओ ठीक है आपको ग्रीन फ्यूल्स जो हैं उनको लाना शुरू करो तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे लिए काफी हार्मफुल होते हैं और आपको कोशिश करनी है नेट जीरो अचीव करने की बाई ट्वेंटी और ये आपका ग्लोबल रिवर्सिटीज अलायंस जी आर सी ए ये आपका इंडिया का आ गया इट वॉज लॉन्च एट ट्वेंटी एट इसको किसने लीड किया था बाय नेशनल मिशन फॉर फॉर क्लीन गंगा ये यहाँ का प्रोग्राम था गंगा को क्लीन करने का और किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो ये क्या हाईलाइट करते हैं रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस को किसके इंडिया के पर्स्पेक्टिव में और इंडिया का जो है क्लाइमेट चेंज का देख लेते हैं इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज थर्टी जून 2008 को और इसके अंडर एट नेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किए गए थे ठीक है उसमें कौन से वो एट मिशन हैं वो ये हैं एटलीस्ट नाम आप याद रखो और ये किसके अंडर आते हैं एन के अंडर तो सोलर मिशन एनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबल हैबिटेट वाटर मिशन हिमालयन इकोसिस्टम ग्रीन इंडिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्राटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज तो ये सारे जो एट मिशन है किसके अंडर आते हैं आपके एन के अंडर ठीक है तो ये हमारा कवर होता है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का भी इनकेस मुझे लगता है आपके लिए इसमें कुछ और भी चीज इंपॉर्टेंट होगी मतलब जो वीडियो में लाने की जरूरत नहीं है पर कोई डेटा आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं एग्जाम से पहले आपको सप्लीमेंट्री हैंड अपलोड कर दूंगी उस पर टेलीग्राम पे, पे जिसमें थोड़ी ऐसी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होगी जो हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं से आ जाए तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी और वीडियोस देखने हैं सब्सक्राइब करना है सुपर थैंक्स भेजना है एंड द टाइम में अपलोड नेक्स्ट वीडियो आपको ख्याल रखना है अपना और अपने एनवायरमेंट का भी मैं बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे